कोचेगा गांव की महिला की जान लेने वाले तेंदुए को पकड़ने वन विभाग के गांव के नजदीक पिंजरा लगाया है। बीती शाम दीर्घ शंका गई एक बुजुर्ग महिला को तेंदुआ उठाकर ले गया, जिसके बाद महिला का सिर और धड़ अलग अलग स्थान पर मिला था। गांव में तेंदुए को लेकर दहशत व्याप्त है। इस खबर के बाद पूर्व छत्तीसगढ़ के मंत्री व सांसद रह चुके चंद्रशेखर साहू भी परिजनों को सांत्वना देने आज गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने वन विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी व्यक्त की। वन विभाग में ग्रामीणों को अलर्ट किया है, शाम के बाद गाँव से बाहर न जाने को कहा है। बहुत दर्दनाक स्थिति है, छोटा सा गाँव है, कमार बस्ती है, और उस गांव में और पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। महिलाएं खूब दुखी थी और सीधे सीधे कह रही थी कि सरकार से आदेश ला के उसको या तो गोली मार दिया जाए तेंदुआ को, या पकड़ के हम लोगों को, हमारे जीवन को एक प्रकार से असुरक्षित है, उसको सुरक्षा दी जाए, मुआवजा की बात है, उस मुआवजा को भी तत्काल वितरण हो। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर पिंजरे की व्यवस्था कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करके, अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कमी देखी गई। और पूरा जो इलाका है वो वनाच्छादित क्षेत्र है, पिछले 2 साल के भीतर ये 4थी या 5वीं घटना है। 1-2 साल के बच्चे को उठा ले गया, इस महिला को कुछ साल पहले, कुछ समय पहले और एक बार तेंदुआ ने हमला किया था, और कितने जानवर वहाँ पर हिंसक हैं इसका भी कुछ अता पता नहीं है। और गांव वालों को यह बताया गया है कि शाम को 5 बजे के बाद बच्चे और वृद्ध दोनों को आप अकेले ना छोड़ें। रेगुलर हम इस बात के लिए उनको बता रहे थे, गांव में मुनादी भी करा रहे थे, और पिछले 15 दिन से विभाग की तरफ से सघन मॉनिटरिंग भी इस रूप में चल रही थी कि रेगुलर हमारा स्टाफ भी जा रहा था, और चौकीदार को भी हमने सीटी भी दी हुई थी कि आप वहाँ हल्ला करते रहें ताकि तेंदुआ गाँव के जो घर है, घर के समीप ना है। सर, इसके बाद भी घटना घट गई है? घटना जो कोने आखिरी वाला गांव था, आखिरी वाले गांव से शाम होने के बाद महिला लगभग 100 मीटर दूर सोच पे गई थी, तो यह जैसा मैंने पहले बताया पूरा क्षेत्र जंगल से लगा हुआ है, तो जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक घटना घट सकती है। लेकिन सावधानी के तौर पे हमने वहाँ ट्रैप केज भी लगा दिया है, और हम आशा करते हैं कि जल्दी हम तेंदुए को ट्रैप केज में पकड़कर किसी सुरक्षित जगह लेके जाके छोड़ेंगे।